ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम तुहर द्वार के तहत 1 मार्च से भिलाई में बड़ा शिविर आयोजित होने जा रहा है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने शिविर का शेड्यूल जारी कर दिया है और क्षेत्र के लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील भी की है। 1 मार्च से नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम क्षेत्र में निगम तुहर द्वार शिविर आयोजित किया जा रहा है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने शिविर को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। शिविर में सभी शासकीय योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिलाया जाएगा, इसके साथ ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। शिविर की जानकारी नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दी। ये 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जोन 1 से स्टार्ट होगा। जोन 1 में पहला अपना खमरिया है और ये तो निगम तोहर द्वार महापौर संघ गोट महापौर भी रहेंगे और वहाँ के सभी पार्षद जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, उच्च अधिकारी भी रहेंगे, कमिश्नर भी रहेंगे, जोन कमिश्नर भी रहेंगे और वो नागरिकों से वहाँ सीधा संवाद करेंगे कि उनकी समस्या क्या, समस्या को समझेंगे, उसके समाधान का त्वरित वहाँ पर समाधान की कोशिश होगी। और इस तरीके से लगातार ये पूरे जोन के जोन वाइज, जैसे ये जोन जो है वो 19 अप्रैल में ख़त्म होगा और हफ्ते में तीन दिन मतलब बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये 3 दिन लगातार अलग अलग वार्डों में शिविर लगेंगे और जोन खत्म होने के बाद फिर दूसरे जोन में लोग करेंगे। और ये कोशिश की जा रही कि एक तरह से जो नागरिकों की समस्या है, जो लोग नहीं आ पाते या जो भी हैं उनसे सीधा संवाद करें, चाहे वो व्यापारी संघ होगा या रेजिडेंस कॉलोनी वाले होंगे, तो उनसे सीधा संवाद वहीं पे उन्हीं के साथ में मिलके हो सकता है वो क्षेत्र भ्रमण भी करें और एक स्थान पर बैठ के सब समस्या का समाधान वहाँ पे करेंगे। और सभी प्रकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इससे जुड़े हुए लोग वो सब रहेंगे वहाँ पे निदान के लिए। अब निदान में जैसे आयुष्मान कार्ड बनना है, राशन कार्ड बनना है और आपका राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, हॉकर लाइसेंस भी है तो हॉकर लाइसेंस भी ले लेंगे, तो ये तमाम जितनी भी सुविधाएँ, जैसे MMU भी वहाँ रहेगी जहाँ पे वैसे उनका शेड्यूल है, तो जिस दिन यह शिविर रहेगा उस दिन वहाँ MMU भी रहेगा। इस प्रकार से तमाम जो शासन की जो महती योजना है जिसका लाभ नागरिकों को मिले, तो सीधे वहाँ पहुँच के लोगों से बात करके उसका समाधान करेंगे। छोटी मोटी मान लो अगर कहीं रिपेयरिंग की बात या संधारण की बात होगी तो गेंग होगा, स्ट्रीट लाइट की बात होगी तो स्ट्रीट लाइट के लिए वहाँ गेंग होगा, अगर मान लीजिए कोई पंप बोरिंग का संधारण है या पानी की कोई समस्या है या नाली में छोटी मोटी टूट फूट है तो उसी समय उसका निदान करने का एक प्रयास है। और 1 मार्च से 1 मार्च को जुनवानी के सांस्कृतिक भवन खमरिया में शिविर आयोजित होगा। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने क्षेत्र के लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।